तो हे गाइस, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग इस फोटो को करने वाले कलर ग्रेडिंग लाइटरूम मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। तो सबसे पहले तो गाइस, आप लोगों को एडिट वाले ऑप्शन पे आ जाना है और यहाँ पे सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन लाइट वाले ऑप्शन पे प्रेस कर देना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कंट्रास्ट को कर दूंगा माइनस, क्योंकि फोटो में कंट्रास्ट अमाउंट ज़्यादा है। और उसके बाद हाईलाइट्स को भी गाइस मैं कर दूंगा -35 और यहाँ पे शैडो को इंक्रीज कर दूंगा 50। उसके बाद गाइस वाइट्स को देख लूँगा एडजस्ट करके, तो वाइट्स को मैं रखूँगा +20। सॉरी गाइस, वाइट्स को करना था, ब्लैक्स मैंने कर दिया, तो वाइट्स को मैं यहाँ पे कर दूँगा गाइस +20, 21 कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे ब्लैक्स को गाइस माइनस कर दूँगा -28। इतना करने के बाद गाइस हम लोग आ जाएंगे कलर वाले ऑप्शन पे। और यहाँ पे गाइस आप लोगों को टैंप की जो अमाउंट दिख रही है ना, तो इसको हम लोग एडजस्ट करके देख लेंगे। तो टैम्प को गाइस मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ -9 और यहाँ पे गाइस वाइब्रेंस को ना प्लस कर दूंगा +48। इतना करने के बाद गाइस आप लोगों को आ जाना है कलर मिक्सर वाले टूल पे। तो इस वाले ऑप्शन पे प्रेस कर देंगे और यहाँ पे ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करके गाइस इसकी लुमिनस की अमाउंट को बढ़ा देनी है और सेचुरेशन को भी थोड़ी सी बढ़ा देनी है। उसके बाद येलो वाले कलर पर जाएंगे और इसकी ह्यू को कर देंगे -100 और सेचुरेशन को यहाँ पर कर देंगे गाइस -87। उसके बाद ग्रीन वाले कलर पे जाएंगे और इसके ह्यू को कर देंगे -100 और यहाँ पे सेचुरेशन को कर देंगे गाइस -100। उसके बाद नेक्स्ट कलर पे जाएंगे गाइस और इसकी सेचुरेशन को बढ़ा देंगे और लुमिनस को भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे। और ब्लू वाले कलर पे जाएंगे गाइस और इसका गाइस सेचुरेशन को बढ़ा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट कलर पे जाएंगे गाइस और इसकी सेचुरेशन को हम लोग कम कर देंगे -41 और यहाँ पे लास्ट वाले कलर पे जाके इसके भी सेचुरेशन को कम कर देंगे -38। इतना करने के बाद गाइस आप लोगों को यहाँ से कर देना है डन और यहाँ पे नीचे आ जाना है कलर ग्रेडिंग वाले ऑप्शन पे। तो सबसे फर्स्ट वाले शैडो वाले ऑप्शन को प्रेस करके हम लोग गाइस इसको ब्लू टोन में डाल देंगे और यहाँ पे हाईलाइट वाले ऑप्शन को चूज करके इसको भी गाइस हम लोग ब्लू टोन में डाल देंगे। उसके बाद गाइस आप लोगों को ग्लोबल वाले ऑप्शन पे आ जाना है और यहाँ पे इसको देख लेना है एडजस्ट करके। तो ग्लोबल वाले को गाइस मैं कुछ कर दे रहा हूँ हल्का सा ऑरेंज की तरफ, तो यहाँ पे गाइस मैं हल्का सा लाइट ऑरेंज की तरफ डाल दिया हूँ। और यहाँ पे कर दूंगा गाइस नीचे पे लुमिनस को थोड़ा सा इंक्रीज। उसके बाद गाइस हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे शैडो वाले ऑप्शन पे और इसकी ना ब्लेंडिंग की ऑप्शन को हम लोग एडजस्ट करके देख लेंगे। तो ब्लेंडिंग को मैं यहाँ पे कर लेता हूँ एडजस्ट अपने फोटो के अकॉर्डिंग। तो इस हिसाब से गाइस कुछ ठीक लग रहा है और यहाँ से कर दूंगा डन। उसके बाद गाइस आप लोग आ जाना नीचे इफेक्ट वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे इसकी क्लैरिटी की वैल्यू को मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा और डीएच को भी प्लस कर दूंगा +23। और यहाँ पे बिगनेट वाले ऑप्शन पे जाके गाइस इसको -37 कर दूंगा और फैदर को गाइस बढ़ा दूंगा और यहाँ पे मिड पॉइंट को भी कुछ इतना बढ़ा दूंगा। इतना करने के बाद गाइस आप लोग को आ जाना नीचे डिटेल वाले ऑप्शन पे और शार्पनिंग के अमाउंट को कर देना है +21 और यहाँ पे नॉइस वाले ऑप्शन पे जाके नॉइस को कर देना लगभग 50%। तो यहाँ पे मैं नॉइस को कर दे रहा हूँ गाइस 51। तो डन गाइस, हमारी फोटो कलर ग्रेडिंग हो चुकी है। तो बिफोर आफ्टर मैं आप सबको दिखा देता हूँ। बिफोर फोटो कुछ ऐसी थी और हल्की रिटचिंग के बाद फोटो काफ़ी सिनेमैटिक टोन में आ गई है। तो सेव करने के लिए गाइस आप लोगों को शेयर वाले ऑप्शन पर चले जाना है और यहाँ सेव कॉपी टू डिवाइस कर देना है। तो डन गाइस, ये फोटो अपनी गैलरी में सेव हो जाएगी। तो आई होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नहीं हो तो गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बाय, मिलते हैं अब अगले वीडियो में।